माय चैनल कुक विद तब्बू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मुगलई पराठा बनाने की रेसिपी। इस पराठे में मैंने मटन कीमा यूज़ किया है, आप इसमें चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं और इस पराठे को आप स्नैक के तौर पर या फिर लंच और डिनर में भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पराठे को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पराठे की स्टफिंग तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ 3 अंडे, 1 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1 कप मटन खीमा जिसे मैंने नमक हल्दी और थोड़ा सा पानी डालकर प्रेशर कुक कर लिया है, 3 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, नमक लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट इसे मैंने दरदरा पीस लिया है, 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। पराठे का डो तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून तेल और थोड़ा सा पानी लेंगे आटे को गूंदने के लिए। मैदे में नमक चीनी तेल और पानी डालकर आटा गूंद लें। तेल और पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें जिस तरह आप चपाती का करते हैं। आप मैदे के बजाय गेहूं का आटा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे से ये पराठा काफ़ी फ्लेकी और टेस्टी बनता है। आटा अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद इसके ऊपर तेल लगाकर इसको ढककर आधे घंटे तक रेस्ट होने के लिए रख दें। पराठे की फिलिंग तैयार करने के लिए एक पैन को चूल्हे पर चढ़ाएं और इसमें तेल डालकर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें कटी हुई प्याज डालकर प्याज को लाइट पिंक कलर आने तक भून लें। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर अब हल्का गुलाबी हो चुका है, हमें इसे और ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसको 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, कटा हुआ टमाटर और हल्दी डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 2 मिनट तक और पका लें। अब इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें गला हुआ खीमा और थोड़ा सा पानी डालकर इसको 2 मिनट तक और पका लें। खीमे के स्टफिंग को मैंने 2 मिनट तक अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए भून लिया है। आखिर में इसमें गरम मसाला पाउडर और कटा हुआ धनिया डालकर मिक्स कर लें और फ्लेम को ऑफ कर दें। पराठे की ये स्टफिंग अब बिल्कुल तैयार है, पर अभी ये बहुत गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। मैंने इस आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दिया है। अब आटे की एक लोई लें जितना आप चपाती या रोटी बनाने के लिए लेते हैं और इसको जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लें। सरफेस पे थोड़ा तेल लगा लें और इसकी एक पतली सी रोटी बेल लें। कोशिश करें कि इसके एजेस को भी मोटा ना रखें। फिलिंग के लिए एक बोल में 1 अंडे को तोड़ लें और इसमें चुटकी भर नमक डालकर इस अंडे को फेंट लें। अब इसमें 5 से 6 चम्मच तैयार की हुई खीमे की फिलिंग डालकर मिक्स कर लें। इसमें से आधी फिलिंग एक पराठे के ऊपर स्प्रेड कर दें, यानी इतनी फिलिंग में आप 2 पराठे बना सकते हैं। यानी 1 अंडा और 5 चम्मच फिलिंग से आप 2 पराठे बना सकते हैं। और जितना आटा और फिलिंग हमने तैयार की है इसमें से आप 5 से 6 मुगलई पराठे बना सकते हैं। अब धीरे से इस पराठे को इस तरह से फोल्ड कर लें। एजेस पे आप थोड़ा सा पानी लगाकर इसको फोल्ड कर सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए और फ्राई करते वक्त खुले नहीं। इस पराठे को स्क्वायर शेप में फोल्ड कर लें।
और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस कर लें। इसको ज़्यादा फोर्स से प्रेस ना करें क्योंकि इसमें अंडा है और इसमें से फिलिंग बाहर आ सकती है। हमारा एक मुगलई पराठा तैयार है फ्राई करने के लिए। इसी तरह से मैं आपको दूसरा पराठा भी तैयार करके दिखा देती हूँ। मटन खीमे के बजाय आप इसमें चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया है फ्राई करने के लिए। पराठे को फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल डालकर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। मैं इस पराठे को शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पराठे को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आप इस पराठे को मीडियम टू लो हीट पर ही फ्राई करें। अगर हाई हीट पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जल सकता है और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस पराठे को पलट कर भी दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लें। पराठे के एजेस को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लें ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और खाने में कच्चा ना लगे। आप देख सकते हैं कि मैंने पराठे को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने दूसरे पराठों को भी शैलो फ्राई करके रख लिया है। तो लीजिए, ये गर्मा गर्म और टेस्टी मुगलई पराठा बिल्कुल तैयार है और इसके अंदर जो हमने अंडा यूज़ किया था वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।